हाँ दोस्तों नमस्कार। RSMSSB NTT टीचर नोटिफिकेशन 2018 यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21/8/2018 को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल 1310 पोस्ट हैं। इसका नोटिफिकेशन अब हम देख लेते हैं। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018, यहाँ पद का नाम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 1000 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 310 पद, यहाँ कुल है 1310 पोस्ट है। अब आवेदन प्रक्रिया, आवेदन आप विभाग की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। अब नीचे हैं, परीक्षा शुल्क है। यहाँ परीक्षा शुल्क आपके लिए सामान्य वर्ग व किमिलय श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग आवेदक हेतु 450 रुपये का चालान है, और राजस्थान में नॉन किमिलय श्रेणी के पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये का आवेदन शुल्क है, तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपये का शुल्क है। और जिस परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है, उसको 250 रुपये का शुल्क देय होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट अपना यहाँ प्रवेश पत्र, इन प्रवेश पत्र विभाग द्वारा बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र ही जारी किए जाएंगे। अतः आप अपने आवेदक क्रमांक, SSO ID और उसके टोकन नंबर तथा पासवर्ड याद रखें। अपूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के रिक्त पदों का वर्गवार आज निम्न प्रकार है, ये आप वीडियो को रोक के देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। नेक्स्ट है विशेष योग्यजन के लिए है। अब नेक्स्ट है वेतनाम, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार नियमित मासिक पारिश्रमिक देय होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आप 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, और सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवश्यक नोट है नीचे अन्य योग्यताएं आगे, राष्ट्रीय जो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, ये जो आप सब देख सकते हो। आयु, या आवेदक के लिए 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी आपकी आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और यह बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा 2013 के बाद प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी नहीं करने के कारण आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में अन्य श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दे हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ। नेक्स्ट अपना अंशदायी पेंशन, नहीं नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन, यानी शासन के परिपत्र क्रमांक अनुसार इस पत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जनसुविधा केंद्र नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 29/9/2018 से 28/10/2018 के मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। और यहाँ आपकी ऑनलाइन आवेदन की दिनांक है 29/9/2018 से 28/10/2018 के मध्य, यानी ऑनलाइन आवेदन की दिनांक दी गई है 29/9/2018 से 28/10/2018 के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा का मायम दिनांक यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभवतः माह नवंबर दिसंबर 2018 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। और नीचे बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, यानी बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम कभी भी लगवा सकता है। वैसे संभावित एग्जाम है नवंबर और दिसंबर माह में। नेक्स्ट अपना यहाँ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, यानी यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करवा सकता है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन। नेक्स्ट है आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने वाले अनुचित साधनों की रोकथाम। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तु परक प्रकार का होगा, प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे, प्रश्न पत्र आपका 3 घंटों का होगा। नेक्स्ट है जो आप बोर्ड की वेबसाइट यहाँ देख सकते हो www.rsmshb.rajasthan.gov.in। नीचे डॉक्टर बी एल जाटा उसके हस्ताक्षर यहाँ मारे हुए हैं, यानी आप यहाँ ऑप्शन नंबर 21 देख सकते हो कि लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विवरण विस्तार नियुक्ति प्राधिकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित किए गए अनुसार होगा और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो नियुक्ति प्राधिकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उचित समझे सूचित किया जाएगा। परीक्षा का स्तर 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समतुल्य होगा। नियुक्ति प्राधिकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी को सिफारिश नहीं करेगा जो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, यानी आपको पास होने के लिए एग्जाम में 40% तो लाना अनिवार्य है। और दोस्तों इसका आप नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।